हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वेल्थ कॉमर्स बीके लेक्चर। करंटली वी आर इनटू चैप्टर नंबर 1, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सॉरी फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7 टुडे इन योर टेक्स्ट बुक। सो कम डाउन टू पेज नंबर 59। We will start reading. Satish and Pramod are partners. Prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. किसकी बात की है सिर्फ? Gross profit and net profit की. That means they don't require partners capital account. They don't require balance sheet. So let us start marking stock, trading account, debit side, purchases, trading account, wages, trading account, insurance, profit and loss account, unproductive wages, profit and loss account, warehouse rent, profit and loss, carriage outward, profit and loss, sales return, less from sales, export duty. एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम कंसीडर करेंगे, इट इज पेड अपॉन इंपोर्ट, सो ट्रेडिंग अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स, एसेट इन्वेस्टमेंट एसेट। फैक्ट्री रेंट, रेंट किसका है? फैक्ट्री का है, तो कहाँ जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट पार्ट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, 10% बैंक लोन लायबिलिटी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10% के साथ साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये क्या है? ये है हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है ना? क्या ये हिडन एडजस्टमेंट? तो ये हिडन एडजस्टमेंट क्या बताता है? इस पर हमें 10% पे करना है। कब लिया था ये लोन? ये लोन लिया था 1st July 2018 को। कब तक यूज किया? 31st March 2019 तक यूज किया। यस, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस लोन को लेकर के 9 मंथ हो गए। तो हमको 9 मंथ का यहां पर इंटरेस्ट पे करना है, राइट है? तो 8000 का अमाउंट है, इंटू 10% इंटू 9/12। लेट अस चेक, तो ये जो 600 का अमाउंट आया है, ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो फर्स्ट थिंग, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड, ये लोन में क्या होगा? ऐड, सो ऐड टू 10% लोन या बैंक लोन। ये दो इफेक्ट इसके आएंगे। अदर रिसीट, अदर रिसीट मींस ये इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 15,400, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो वेजेस के ऊपर जाएंगे, स्टार मार्क कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर। आप ध्यान दीजिए, यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 5, ये हमें बताता है गुड्स ऑफ रुपीज 2000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड। सो 2000 जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, पहले हम अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट पास करेंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स कहाँ कहाँ आ जाएगा? एक तो इफेक्ट सेल्स में जाएगा, तो सेल्स को आप स्टार मार्क कर लीजिए, और दूसरा इफेक्ट डेटर पे आएगा, तो डेटर को भी आपको स्टार मार्क करना है, ठीक है? अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 5 करने के बाद फिर आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आना है। तो थर्ड वन आपको क्या बताता है? बैड डेट्स
एंड आरडीडी। सो अगेन यहां पर डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर एडवर्टीजमेंट दिया है तो उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। जस्ट चेक इट आउट, डू वी हैव एनी एडवर्टीजमेंट लाइक एक्सपेंसेस? नो वी डोंट हैव, सो डायरेक्टली हम मेंशन करेंगे। एंड लास्ट वन ऑलरेडी वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग अनरिकॉर्डेड सेल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। So we have over here our format ready in the books of Satish and Pramod. Trading account, profit and loss account we have. Only these two things are required, but for the safer side, ताकि हमारे लिए एक working बना रहे, मैंने यहाँ पर partners capital account भी बनाया है और balance sheet भी बनाया है। These two things are not required, but working purpose के लिए कहीं ना कहीं require रहेगा। तो भले हम इसको पूरा tally ना करें, बट जैसे डेटर का ट्रीटमेंट है या बैंक लोन का ट्रीटमेंट है वो हमें समझ में आए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ओवर हियर। ठीक है, सो आप भी एग्जाम में वर्किंग नोट के पार्ट पे कहीं और सॉल्व कर सकते हो इन शॉर्ट में। नो नीड टू प्रिपेयर फुल बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम, स्टॉक हमें दिया गया है 8700, सो वी विल राइट इन द आउटर कॉलम 8700। Next we have purchases 18,300, inner column में आ जाएगा। We have wages 1,000, तो ध्यान दीजिए wages यहाँ पर outstanding भी है। ठीक है, so we will write over here to wages, inner column 1,000, and we can write over here add outstanding। तो इसका effect हम बाद में देंगे, later on। नेक्स्ट आइटम वी हैव इंश्योरेंस 800, सो वी विल राइट ओवर हियर टू इंश्योरेंस, आउटर कॉलम 800। नेक्स्ट वी हैव अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400, अनप्रोडक्टिव, तो पीएनएल अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400, वेयरहाउस रेंट 600, टू वेयरहाउस रेंट 600। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कैरिएज आउटवर्ड 1200, सो टू कैरिएज आउटवर्ड 1200 आउटर कॉलम। आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न, सो सेल्स रिटर्न के पहले आप ध्यान रखिए यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बताया था, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो उसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट आप यहां पे लिखेंगे एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, एंड देन यू विल राइट लेस less sales return। ठीक है, तो sales return का क्या value है देखिए 600, so you will write over here 600। next we have export duty 1400 to export duty 1400, custom duty 800, तो custom duty को हम trading account में लिखेंगे to custom duty
outer column 800. नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री डेटर 40,000. हालांकि बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 40,000 ताकि हमें प्रॉपर वर्किंग मिले. इनर कॉलम में लिख दिया और उसके नीचे देखिए 3 एडजस्टमेंट है. पहला है अनरिकॉर्डेड सेल, नेक्स्ट वन इज न्यू बैड डेट्स एंड थर्ड वन इज न्यू आरडी. तो इस तरीके के आपको भी वर्किंग करके रखना है. अगर आप बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप अलग से इसको वर्किंग में शो कर सकते हैं. सो डेटर्स, डेटर्स के बाद है इन्वेस्टमेंट 15,700. तो जो बैलेंस शीट वाले आइटम है आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट वी हैव फैक्ट्री रेंट 1,600. तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2, नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400. तो 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400. सेल्स, हाउ मच सेल्स इज गिवन? 68,000. सो यू विल राइट ओवर हियर 68,000 इनर कॉलम. देन वी हैव डिविडेंड 2,000. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में यू विल मेंशन बाय डिविडेंड. आउटर कॉलम 2,000. नेक्स्ट वी हैव परचेस रिटर्न 500. सो यहां पर स्पेस रखा है हमने, वी विल राइट ओवर दियर 500 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 17,800, ठीक है. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर 13,000. बैलेंस शीट आइटम है, नो नीड टू राइट ओवर हियर, बट देन एज वेल आई एम मेंटेनिंग. सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाउ मच दे सेड? 13,000. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, 10% बुक बैंक लोन 8,000. सो यू विल राइट ओवर हियर 10% बैंक लोन, इनर कॉलम 8,000 और इस पर हिडन एडजस्टमेंट है. तो आपको क्या करना है, ऐड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ. और हमने वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, यस. तो किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 8,000 इंटू 10% इंटू, यूज किया हमने जुलाई टू मार्च, ठीक है ना, 1 जुलाई से मार्च तक. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ? 9 मंथ. सो 9 डिवाइड बाय 12. सो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 600, ठीक है. तो ये 600 ऐड करके आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 8,600. एंड सिमिलर इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर अस, सो यू विल राइट ओवर हियर 2 इंटरेस्ट on bank loan.
interest on bank loan. Amount 600. So done with that. Next we have other received 1000. So you can write over here by other received. How much? 1000. Completed with the trial balance item. Moving towards adjustment part. Adjustment number one, closing stock. How much they have given? 15,400. So trading account trade side, balance sheet, asset side. 15,400 closing stock. Okay. Next we have outstanding wages 500. So outstanding wages 500, what you will do, you will add, and that will give you 1500 in outer column. Acha, wages outstanding hai, so pay karna baki hai, balance sheet liability side. They haven't asked us to prepare balance sheet. नहीं लिखेंगे फिर तो भी चलेगा. Next one. Next हमने decide किया था. We will take adjustment number 5+ first. ठीक है ना? तो adjustment number 5 was regarding goods of rupees 2000 sold first, but not recorded. So unrecorded sales कितना हो जाएगा? Goods of rupees 5000. Right? Sorry, goods of rupees 2000. So how much this will be? 70,000, and 70,000 minus 600, 69,400. Right? Ab ye unrecorded sales. आप डेटर में भी शो करोगे 2000 और यहां पर टोटल आ जाएगा 42,000 का. सो एडजस्टमेंट नंबर 5 इज डन. एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन. हाउ मच? 800. सो यहां से आप 800 माइनस करेंगे. यू विल गेट 41,200. नेक्स्ट आरडीडी. आरडीडी कितना माइनस करना है? 3%. सो 3% आरडीडी कैलकुलेट कीजिए. 41,200 इंटू 3%, 1236, 1236. ठीक है. तो फाइनल फिगर हमें मिला 39,964. अच्छा, ये 1236 एंड दैट 800, ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट टू बैड डेट्स. एट हंड्रेड एड न्यू आर डी डी 1236. ठीक है. सो टोटल इज 2036. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. So you can write over here too. Goods distributed as free sample. How much? Worth rupees 1800. ठीक है. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड.
बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. अमाउंट इज वन थाउजेंड एट हंड्रेड. ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन. लेट अस टेक द कास्टिंग पार्ट. क्रेडिट साइड का बैलेंस देखेंगे, इट इज 86,600. और उसमें से माइनस करेंगे 30,400. सो फाइनल फिगर इज 56,200. ठीक है, अब ये जो 56,200 है पीएनएल में आ जाएगा. तो 56,200 प्लस अदर आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड 59,200. डेबिट साइड का टोटल क्या है? 10,236. तो लेस करेंगे 59,200 माइनस 10,236. यहाँ पर वैल्यू मिलता है 48,964. अब इसको हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सो डिवाइड बाय टू एंड दैट विल गिव अस 24,480. ठीक है, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल वगैरह नहीं दिया है तो बाकी की हमारी इंफॉर्मेशन हाफ रह जाती है. बट रेस्ट ऑफ द थिंग वी हैव कंप्लीटेड. दो चीजें पूछी गई थी, एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस एंड सेकेंड बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. नाना नानी, देखिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आ गया. नाना नानी आ गया आपके यहाँ पे. सो नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, इक्वली. अच्छा, नहीं भी बोला होता तो भी हम इक्वली लेते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो हम क्या लेते हैं, 1:1 का रेशियो, दैट इज इक्वल इन नेचर. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना है. नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो ऑलरेडी हमको यहाँ पर दे दिया गया होगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आइटम आपके सामने आ गया है इंश्योरेंस. ऑब्वियसली सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर इंडिकेट करेंगे, ट्रेडिंग का तो कोई लेना देना नहीं है. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन दिया, जहां कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया होता है वो हमारे लिए होता है हिडन एडजस्टमेंट. तो ये जो 50,000 है, ये बोल रहे हैं एडिशन ऑफ रुपीज 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2008. तो इसमें जो 20,000 है ये न्यू है और रिमेनिंग 30,000 है ये ओल्ड है. ठीक है, 20,000 ये न्यू असेट है. तो ये 20,000 को कितना समय हो गया यूज करके, 1 जुलाई से. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो जब लैंड एंड बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन लोगे, ये 20,000 पे सिर्फ 9 मंथ का आएगा और 30,000 पे पूरा
12 मंथ का आएगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्ट ड्यूटी, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड ले लेंगे। नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1st October। अगेन जैसा लास्ट क्वेश्चन में आया था वैसे इसमें भी हम 10% कैलकुलेट करेंगे। तो 30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 10%। अक्टूबर से ये लिया गया है, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ हाफ हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर हमने 5% भी ले लिया तो भी चल जाएगा। तो 30,000 का 5% 1,500, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है इंटरेस्ट 1,500। तो क्या करेंगे, ये जो बैंक लोन है उसमें ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। अब एक बात ये समझ में आपको आनी चाहिए कि इसके अंदर भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और ये इंटरेस्ट भी डेबिट साइड दिया हुआ, मतलब हमने इंटरेस्ट पे किया था 1,000। तो किसी का ऐसा अजम्पशन हो सकता है कि सर 1,500 का इंटरेस्ट देना था, उसमें से 1,000 का दे दिया है ये वाला और 500 रुपया देना बाकी है, कोई ऐसा भी एज्यूम कर सकता है। तो अगर आप ऐसा एजम्पशन करते हो तो आपको वहां पर नोट लिखना पड़ेगा कि हमने ऐसा एज्यूम किया है, ठीक है। और दूसरा कैसा एज्यूम कर सकते हैं? दूसरा ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये अपना इंडिपेंडेंट है, किसी और चीज का इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है, और ये 1,500 कोई और इंटरेस्ट है जो कि बैंक लोन पे हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ऐसे केस में जो भी आपका एजम्पशन हो, यू मस्ट राइट ओवर देयर इन द नोट कि ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इसको आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर जो हमको हिंट में क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है, अगर इस आंसर पे हम जाएंगे तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये सेपरेट है, इस इंटरेस्ट का 1,500 वाले इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है एवरीवन। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि 1,000 का जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो सेपरेट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल इज लायबिलिटी। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट। नंबर वन, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500। तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये एक प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो इसका एक ही इफेक्ट आने वाला है। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। सो लेट अस टेक द प्रीपेड अमाउंट। सबसे पहली बात, वी विल टेक अ टाइमलाइन ओवर हियर, ठीक है। सो हमने एक टाइमलाइन ले ली, तो आप चेक कर सकते हैं हमारा जो ईयर एंड है वो है 31st March 2019, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ईयर एंड ले लेते हैं 31st March 2019। ये ईयर एंड है, तो स्टार्टिंग डे क्या होगा? 1st April 2018। यस और नो? अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018। तो बहुत ही सही चीज बताया, 1st April 2018, मतलब यहां से 15 मंथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो 12 मंथ हो गया, और नेक्स्ट हमको 3 मंथ्स यहाँ पर मिलेगा। सो 15,000
ये पे किया है 15 मंथ के लिए और हमको यहाँ पर देखना है 12 मंथ का कितना, इतने पे इतना, तो इतने पे कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। और एकदम सिंपल सी चीजें समझ में आता है, 15 मंथ का 15,000 तो 1 मंथ का 1,000, सो 3 मंथ का कितना होगा 3,000 और 12 मंथ का कितना होगा 12,000, सो सही जवाब है 3,000। देवी और सोचनो, जिन्होंने 3,000 का आंसर बताया था वो जीतते हैं, लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। तो यहां पर हमें मिल गया है 3,000। नेक्स्ट वन, अच्छा करेंगे क्या, इंश्योरेंस, इसको स्टार मार्क कर देते हैं हम, प्रीपेड है तो वहां से लेस करना पड़ेगा। और सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ज्यादा पे कर दिया है तो एसेट साइड, ठीक है। Depreciate land and building at the rate 10% per annum and furniture 5%. तो देखिए land and building star mark कर देंगे और ध्यान दीजिए land and building 50,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो वो हिडन एडजस्टमेंट हम ध्यान रखेंगे, उसके अलावा फर्नीचर। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 34,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, बराबर है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, ये जो 50,000 का है वो हम लोग यहाँ पर वर्किंग बना ही देते हैं, तो समझिए 15,000 का जो एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 30,000 का ओल्ड एसेट है और 20,000 का नया है रे, दोनों के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 10%। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ओल्ड है उसको पूरा 12 मंथ यूज किया, ध्यान दीजिएगा, और जो नया है उसको कब से लाया था, उसको लाया था 1 जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 9 मंथ, तो 9/12। अच्छा 0000 कैंसल हो जाएगा, 10% यहाँ पर कितना आएगा 3,000, और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 का 10% तो 2,000 आता है, और 2,000 को फिर हमको क्या करना है, 9/12 से मल्टीप्लाई करना है, तो टेल मी हाउ मच इट विल गिव यू, अप्रॉक्सीमेट 1,500। टोटल डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अकॉर्डिंगली फर्नीचर पर भी आप 5% कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन डायरेक्टली, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ, सर्वप्रथम भाइयों और बहनों स्टार्ट करते हैं नाना नानी की कहानी। आइटम नंबर 1 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में फिक्स करेंगे, सो आई विल राइट ओवर देयर टू इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, आंसर इज यस, वहां पर प्रीपेड आपको माइनस करना पड़ेगा, सो प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट क्या है इंश्योरेंस का, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, तो आप बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहां पर आप मेंशन करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग,
मैं कसम पूरा डेप्रिशिएट कर दूंगा। तो डेप्रिशिएशन एट द रेट कितना परसेंट आएगा यहाँ पर? 10%। लेकिन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमें वर्किंग करना है। और किस तरीके का वर्किंग करना है? इस तरीके का कि 50,000 उसमें से 30,000 जो ओल्ड एसेट है जिस पे आया है 3,000 एंड 20,000 वो जो न्यू एसेट है उस पे आएगा 1,500 और टोटल हमें मिलेगा 4,500। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू टोटल हम लिख देंगे यहाँ पर 50,000। एडजस्टमेंट के समय बाकी चीजें करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी, क्या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो, सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट ओवर हियर टू सैलरी। एक्सपोर्ट ड्यूटी टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, चेक कीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कोई एडजस्टमेंट? नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम 2,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट 1,000, तो टू इंटरेस्ट हमने तय किया था कि हम इसके लिए एक सेपरेटली नोट लिखेंगे और जब एडजस्टमेंट आएगा तो मैं आपको नोट लिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो इस इंटरेस्ट के ऊपर हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट फर्नीचर 40,000, तो यस फर्नीचर को यहाँ पर लिखेंगे 40,000 और इस पे भी हम डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 5%। देखिए यहां पर 5% के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट डेटर 26,000, सो डेटर के ऊपर बैड डेट्स और आरडीडी ये दोनों का एडजस्टमेंट है, सो वी विल राइट ओवर हियर डेटर। लेस न्यू बैड डेट्स एंड लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%। ठीक है, सो डेटर्स का वैल्यू जो है वो है 26,000। क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, कैपिटल दिया है नाना नानी का। इस बार हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो नाना और नानी दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे। सो आप देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल नाना का 50,000 मेंशन कर रहे हैं। सिमिलरली नानी का भी 50,000 का है। आफ्टर कैपिटल दे हैव अ बैंक लोन ऑफ 30,000 10% इंटरेस्ट, सो वी विल राइट ओवर हियर 10% बैंक लोन 30,000 इनर कॉलम। अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि 30,000 के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करेंगे, बट फॉर हाउ मेनी मंथ? सिक्स मंथ कैसे आया? तो अक्टूबर से हमने यूज किया है मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिक्स मंथ का कैलकुलेशन होगा एंड दैट विल फेच अस 1,500 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट, ये पे करना बाकी है। सो वी विल राइट ओवर हियर एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 31,500। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने एक नोट भी फिर आपके लिए लिख के रखा है, इट इज एज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट पेबल ऑन 10% बैंक लोन
is not related to interest already paid as given in the trial balance. Hence, total amount of interest is outstanding, that is rupees 1500. ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके का एक नोट लिख देंगे और उसमें बताएंगे कि जो इंटरेस्ट ऊपर हमें 1000 का दिया गया है ये सेपरेट इंटरेस्ट है, और अलग से जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो अब हम यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1500 सेपरेटली मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर आइटम इज इंटरेस्ट 1500। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये क्रेडिट साइड में दिया, दैट मींस वी हैव रिसीव्ड दिस इंटरेस्ट, सो यू विल राइट इट ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट। How much? 1500. ठीक है, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव बिल्स पेबल, सो बिल्स पेबल यू विल मार्क लाइबिलिटी साइड ओवर हियर, यू हैव टू राइट बिल्स पेबल। हाउ मच, व्हाट वॉज द अमाउंट? 8000। ठीक है, चलो, कंप्लीटेड विथ ऑल द ट्रायल बैलेंस आइटम्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर वन जो कि एक इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है, एक ही इफेक्ट आएगा, वो है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट 34,500। यस, नेक्स्ट वन है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। ये अभी अभी हमने इसको देखा था कि 15 मंथ का है तो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और हमने यहाँ पर देखा कि 3000 उसमें प्रीपेड है। हाउ मच इज प्रीपेड? 3000। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, ऑलरेडी यू नो हाउ टू डू दैट वर्किंग नोट। 15000 फॉर 15 मंथ, देन हाउ मच फॉर 3000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, तो इंश्योरेंस प्रीपेड वी कैन राइट ओवर हियर 3000। आउटर कॉलम 12000। अच्छा, ये जो प्रीपेड है ये हमारे लिए क्या है? एसेट है, सो यू विल राइट ओवर हियर प्रीपेड इंश्योरेंस। हाउ मच? 3000 आउटर कॉलम। चलो, डन विथ एडजस्टमेंट नंबर टू, मूविंग टूवर्ड्स थर्ड वन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए, ऑलरेडी डेप्रिशिएशन मैंने यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिया वर्किंग नोट में। यस सर, तो ये डेप्रिशिएशन टोटल कितना आया? 4500। सो आई विल मेंशन ओवर हियर 4500, और माइनस करने पे आपको फिगर मिलता है 45500। ठीक है, सिमिलरली जो फर्नीचर है उस पर 5% कैलकुलेट करेंगे, तो 5% कितना आएगा? 2000, एंड आउटर कॉलम 38000। राइट, सो ये जो डेप्रिशिएशन है यू कैन डायरेक्टली राइट ओवर हियर। टू डेप्रिसिएशन on land and building ₹4500, and another one is ₹2000 on furniture it is 6500 in total। completed with both second effect and first effect।
Moving towards fourth one, write off 1,000 for bad debts. Robert, आपको 1,000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, जो कि हमारा न्यू बैड डेट्स है. तो 26,000 माइनस 1,000, हाउ मच विल गेट? 25,000. अच्छा, माइनस करेंगे अगेन 5%, 25,000 का 5% कितना आएगा? 1,250. ठीक है ना? सो 23,750, आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर. तो हमें यहाँ पर दो आइटम मिल गए, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी 1,000 एंड 1,250. How much? 2,250. ठीक है. After writing off bad debts and RDD, last one is closing stock 34,500. तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, बट हमारे पास बैलेंस शीट जरूर है. तो यहां हम मेंशन कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच? 34,500. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर कास्टिंग करेंगे. आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो दिखा रहा है 36,000. We will write it on both the sides, 36,000. और 36,000 में से आप माइनस करेंगे 30,750. 36,000 माइनस 5,250 का आंसर है. आप देख सकते हैं इनका हिंट भी सेम है, 5,250. और ये जो नाना नानी है ये दोनों इसको 50-50 डिवाइड कर लेंगे. तो डिवाइड बाय 2,625. ठीक है. अच्छा, ये जो 2,625 नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम शेयर कर देंगे डायरेक्टली 2,625. ठीक है. सो टेक द टोटल, ये आ जाता है 52,625. और इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट टैली होता है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर डिराइव किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना था और ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाना था. ठीक है, कुछ पार्ट था जहां पर हमें नोट लिखना पड़ा, बट दैट्स ओके. अलोंग विद दैट एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जहां पर ओल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड न्यू लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का पीरियड अलग है और अलग से हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ा. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से, इसको स्टार मार्क करके रखिए. एग्जाम के पहले ऐसे क्वेश्चन को हमको जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. तो आज के लिए इतना काफी है भाई और बहनों, इजाजत दीजिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया, शबक है, सायोनारा, बाय बाय.